मैं एक दिव्यांग प्लेयर हूँ और दिव्यांग जो प्लेयर होते हैं वो पैरा स्पोर्ट्स में आते हैं, और मैं 2014 से खेल रहा हूँ। मैंने स्टेट में खेलते हुए 5 मेडल जीते और नेशनल में मेरे 3 मेडल हैं, लेकिन पिछले 2-3 सालों से कोरोना के चलते गेम नहीं हो पाए और मैं गांव में था और मेरे पिताजी के साथ खेत में तैयारी करता था, जिसका मेरे को अच्छा फ़ायदा मिला और इतने दिनों में मैंने इम्प्रूव किया और अब मेरा जो सिलेक्शन है वो आईवास वर्ल्ड गेम में हुआ है, जो कि पुर्तगाल में हो रहे हैं, और इसके लिए 1,44,000 रुपये जो खर्चा है इसकी मैं स्पॉन्सरशिप चाहता हूँ सरकार द्वारा या किसी सामाजिक संस्था द्वारा, ताकि मैं अच्छा प्रदर्शन कर सकूं और अपने देश के लिए मेडल ला सकूं। मैं जेवलियन थ्रो में बहुत अच्छा थ्रो करता हूं। हमारा एक सीटिंग का होता है प्लान, उसके तहत मैं 32 मीटर जेवलियन लगाता हूं, जो कि वर्ल्ड रिकॉर्ड के हिसाब से मेरी 4th पोजीशन चल रही है। क्या हरियाणा के और भी खिलाड़ी इसमें सिलेक्टेड हुए? जहाँ तक मेरे को पता है हरियाणा के अभी तक 2 ही खिलाड़ी सिलेक्ट हो पाए हैं, क्योंकि इसकी पहले ट्रायल हुई थी और ट्रायल के बेस पे ही रैंकिंग निकाल के आगे सिलेक्शन किया जाता है। तो अभी तक आपने जो स्पॉन्सर की बात की है, क्या सरकार से या कोई सरकार के मंत्री या विधायक या प्रशासनिक अधिकारियों से कोई बातचीत हुई आपकी? अभी इस बारे में मेरी कोई बात नहीं हो पाई है। JJP के कुछ कार्यकर्ता थे, उनसे बात हुई, उन्होंने बड़ा अच्छा आश्वासन दिया है मेरे को कि 1-2 दिन में हम आपकी पूरी हेल्प करेंगे और हम ये चाहते हैं कि आप आगे खेलने जाओ और देश के लिए मेडल लेके आओ, हम इस मामले में पूरा सहयोग करेंगे, लेकिन उनका अभी तक आश्वासन ही मिला है। और मेरे पास 24 तारीख तक का टाइम है, अगर 24 तारीख तक इस में मैं पैसे नहीं जमा करवाता हूँ तो मेरी एंट्री वापस हो जाएगी और शायद तक मेरा सबसे बड़ा झटका हो ये मेरे खेल के लिए, क्योंकि मैं इस गेम के लिए बहुत अच्छी तैयारी कर रहा हूँ। ज्ञान, हरियाणा सरकार और खुद खेल मंत्री संदीप सिंह खेलों को बढ़ावा देने का काफ़ी प्रयास कर रहे हैं, क्या आपको उम्मीद है कि आपकी जो मांग है वो पूरी कर पाएंगे? मुझे पूरी पूरी उम्मीद है, क्योंकि अगर मेरी ये बात उन तक पहुँच जाती है तो ऐसी बात नहीं है। हमारी 1-2 बार उनसे पहले बात हुई थी तो उन्होंने पूरी मदद की थी, और मुझे उनसे ये भी विश्वास है कि अगर मेरी बात उन तक पहुंचती है तो वो मेरी बात को ज़रूर सुनेंगे।